दोस्तों मेरा नाम है राम वर्मा और स्वागत है आपका सीजी एजुकेशन न्यूज यूट्यूब चैनल पर। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबाना ना भूलिए, क्योंकि यहां पर आपको इसी तरह की लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो कि शिक्षा से जुड़ी हुई है, छत्तीसगढ़ से जुड़ी हुई है, वो लगातार आपको इसी चैनल पर मिलती रहेगी। इस वीडियो में आपको आज की डेट की छत्तीसगढ़ की शिक्षा से जुड़ी सभी खबरों को देखेंगे। स्कूल, कॉलेज और सीजी वेपम से भी रिलेटेड यहाँ पर न्यूज है। तो चलिए पहला न्यूज यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर प्रदेश में भीषण गर्मी को देखते हुए राज्य शासन ने स्कूलों में छुट्टी की घोषणा कर दी है। सभी सरकारी और निजी स्कूलों में 24 अप्रैल से छुट्टियाँ लागू हो जाएगी। ऑनलाइन आकलन में बच्चों के सम्मिलित होने को स्वैच्छिक कर दिया है। चाहे तो बच्चे जाए या ना जाए, उनकी मर्जी पर है। अब जो स्कूल जो है 15 जून से खुलेंगे, अभी लग चुकी है। अगली खबर यहाँ पर देखते हैं। तो CBSE एग्जाम कंट्रोलर संयम भारद्वाज ने बताया कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE से जुड़े स्कूलों के 10वीं और 12वीं क्लास के छात्रों को अगले साल 2023 में केवल एक ही बोर्ड परीक्षा देनी होगी। दो बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन करने का निर्णय COVID-19 महामारी के कारण एक विशेष उपाय के दौर में लिया गया था, लेकिन अब जो है चीजें सामान्य हो रही है, तो अगले साल से अब ये एक ही बोर्ड परीक्षा होगी CBSE के लिए। उसके बाद यहाँ पर खबर देखते हैं। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा पटवारी प्रशिक्षण चयन परीक्षा 2022 का आयोजन 24 अप्रैल को सुबह 10 बजे से लेकर 1:15 बजे तक किया जाएगा। इस परीक्षा के लिए 201,000 अभ्यर्थियों ने यहाँ पर पंजीयन कराया है। प्रदेश भर में 601 परीक्षा केंद्रों में ये परीक्षा होगी। अगली खबर यहाँ पर देखते हैं। तो NTA ने द्वारा आयोजित की जाने वाली JEE मेंस 2022 के लिए ऑनलाइन आवेदन करने छात्रों के पास अब 5 दिन और समय है। ऐसे में जो छात्र अभी तक आवेदन करने से चूक गए हैं, उनके लिए आखिरी मौका है। वे 25 अप्रैल तक JEE मेंस की साइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने JEE मेंस के लिए सेशन 1 के एग्जाम फॉर्म भरने के लिए यहाँ पर विंडो ओपन किया है। NTA के अनुसार JEE मेन की परीक्षा जून माह में आयोजित की जाएगी। परीक्षा 20 जून 21 22 23 24 25 26 27 28 तथा 29 जून को ली जाएगी। तो यह था आज के डेट में छत्तीसगढ़ के शिक्षा से जुड़ी तमाम खबर। यह खबर आपको कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और ऐसे लेटेस्ट अपडेट रेगुलर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबाइए। मिलते हैं नई खबरों के साथ एक नए वीडियो में।